press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, अब खबर टीवी जगत से। माहिरा शर्मा से ईशान सहगल तक नागिन 6 के लिए इन स्टार्स की चर्चा। किसकी चमकेगी किस्मत? कौन होगी एकता कपूर के शो की अगली नागिन? ये सवाल शो के हर फैन के मन में है। जब से शो का प्रोमो आउट हुआ है, फैंस की एक्साइटमेंट डबल हो गई है। एकता कपूर भी नागिन 6 को पहले से ज्यादा ग्रैंड और हिट बनाने के लिए खास तैयारियां कर रही हैं। प्रोमो में शो की कोरोना थीम तो रिवील कर दी गई है, लेकिन स्टार कास्ट को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। नागिन 6 को लेकर रिपोर्ट्स में हर रोज नए नए सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं, जो शो में लीड एक्टर के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अब तक किसी के नाम पर मोहर नहीं लगाई गई। आइए जानते हैं कि नागिन 6 के लिए किन स्टार्स के नामों पर हो रही है चर्चा। माहिरा शर्मा, एकता कपूर के शो नागिन 6 के लिए टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट माहिरा शर्मा का नाम चर्चा में बना हुआ है। रिपोर्ट्स हैं कि शो के मेकर्स ने माहिरा शर्मा को नागिन के लीड रोल के लिए अप्रोच किया है। खास बात यह है कि माहिरा शर्मा ने नागिन 3 में जामिनी का रोल प्ले किया था। उनका रोल छोटा था, लेकिन माहिरा ने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों के दिलों में छाप छोड़ी। अब एक बार फिर से नागिन 6 में माहिरा दिखेंगी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। ईशान सहगल, लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस 15 के एक्स कंटेस्टेंट ईशान सहगल को तो नागिन 6 के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि उन्होंने उन्हें शो में लीड होल्डों के लिए अप्रोच किया गया है या फिर सेकेंड हीरो। खबरें ये हैं कि इस बार शो में दो लीड एक्टर दिखाई दे सकते हैं। ईशान को अगर एकता कपूर से इस शो में लीड एक्टर के तौर पर रोल मिलता है, तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक होगा। रुबीना दिलैक, नागिन 6 की लीड एक्ट्रेस के लिए अगर किसी के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है, तो वो है टीवी की गॉर्जियस एक्ट्रेस रुबीना दिलैक। फैंस चाहते थे कि इस बार रुबीना दिलैक टीवी की नागिन बने, लेकिन शो का जब से प्रोमो रिलीज किया गया है, तो उसमें एक्ट्रेस का बॉडी स्ट्रक्चर देखकर फैंस निराश हो गए। फैंस दावा कर रहे हैं कि प्रोमो में दिखाई गई एक्ट्रेस की झलक रुबीना की नहीं है। महक चहल, एकता कपूर जब बिग बॉस 15 में नागिन को प्रमोट करने आई थी, तो उन्होंने फैंस को हिंट दिया था कि नागिन का नाम M से शुरू होता है। उस वक्त फैंस को लगा था कि एकता महिमा मकवाना की बात कर रही हैं, लेकिन बाद में रिपोर्ट्स में कहा गया कि एकता कपूर ने एक्ट्रेस महक चहल को नागिन 6 के लिए फाइनल कर लिया है। हालांकि इस बारे में भी अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। शाहिर शेख, टीवी के फेमस एक्टर शाहिद शेख का नाम भी शो के लीड एक्टर के तौर पर चर्चा में बना हुआ है। हालांकि शाहिद शेख ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। शाहिद शेख के अलावा लीड एक्टर के लिए अर्जुन बिजलानी और पर्ल वी पुरी का नाम भी चर्चा में है। नागिन 6 का हिस्सा बनने का मौका किसे मिलेगा और कौन इस शो के जरिए फैंस के दिलों पर राज करेगा, ये जल्द ही पता चल जाएगा। तब तक आप भी अपने कमेंट्स शेयर करके इसका अंदाजा दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें। धन्यवाद।